मेरे पति को जानती हूँ, मुझे ये पता है कि मेरे पति किसी भी कोई भी इंडस्ट्री से रोष नहीं रखते। उनको बॉलीवुड के खिलाफ उनके मन में कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट जब वो ऐसे रिपोर्ट्स देखते तो हंस पड़ते, बोले मेरा इनका क्या संबंध, मैं क्यों इनके पीछे पड़ूं। उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है बॉलीवुड में और ना ही उनको पकड़ने में भी। हाँ, वो ड्रग्स के खिलाफ है, तो अगर ड्रग्स जहाँ पे भी बिकता है, फिर वो स्कूल के बाहर का पेडलर हो, कॉलेज के बाहर का पेडलर हो, या फिर कोई बैंक का मैनेजर हो, या कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी हो, इट डजेंट मैटर टू हिम। ही विल गो आफ्टर देम इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट करियर और इंडस्ट्री दैट पर्सन बिलोंग्स टू। और यास्मीन गई थी, हमारी फैमिली की एक वेडिंग थी, फैमिली फ्रेंड की, वहां पे वो गई थी, और वहां पे छोड़ने के लिए, बिकॉज समीर वानखेड़े अपने एयर इंटेलिजेंस यूनिट के भी हेड रह चुके हैं मुंबई में, तो काफी इज्जत करते हैं लोग उनकी वहां पे, तो वो वहां पे उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, तो वहां पे उन्हें छोड़ने गए थे। और वो लाउंज की फोटो है जो एक साथ पोस्ट की गई जब भी यास्मीन दुबई में मौजूद थी, इसके लिए वहां पे लोकेशन दुबई आया, और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने वो लाउंज की फोटो ट्वीट भी की है कि ये प्रूफ देखिए, उधर भी उनका फर्जीवाड़ा पता चल गया। ऐसा कोई भी लिख सकता है, ऐसा पत्र कोई भी, आप भी लिख सकते हो, एक पत्र टाइप कर दिया, उस पे कोई नाम मत डालो, सिग्नेचर मत डालो, उस पत्र का कोई वैल्यू है नहीं, उस पत्र को कोई सीरियसली लेगा ही नहीं, क्योंकि जब ये कंप्लेंट्स होती हैं किसी भी ऑफिसर के खिलाफ, तो उधर नाम और सिग्नेचर का होना बहुत जरूरी होता है, जो उस पे है नहीं, तो उसको कोई वैल्यू नहीं उस लेटर को। वहां में बहन ने कहा कि भाई मालदीव नहीं गया, शाम होते होते भाई ने स्वीकार लिया कि मालदीव गए हैं, एनसीबी ने प्रेस रिलीज निकालकर भी स्वीकारा है, दुबई से इनकार किया जा रहा है, लेकिन दुबई की तस्वीर हमने ट्विटर पर डाली है, ये कोई हमारी तस्वीर नहीं। उनकी बहन ने अपने इंस्टा पे दुबई हयात, दुबई लाइफ डाला है, अगर कोई सीधे देखेगा तो उसमें भाई की तस्वीर नहीं दिखती, जूम करके देखने पे पता चल रहा है कि भाई साहब भी वहां मौजूद हैं। कह रहे हैं कि हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, देश में हर व्यक्ति को कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार है, वो भी कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, हम भी लड़ेंगे, जो हमारे पास चीजें हैं वो भी हम जो भी फोरम है वहां पे रखेंगे। और हमें लगता है उनका एक डायलॉग है, सत्य में जीते, सत्य की ही जीत होगी, मेरे ये पूरा विश्वास है।